हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस नरेशन। दिस इज द 8th वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक नरेशन। सो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट सम रूल्स ऑफ द नरेशन एंड अकॉर्डिंग टू टेंसेज यूज ऑफ द नरेशन, हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच अकॉर्डिंग टू टेंसेज इन आर प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड। बट इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू चेंज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच। सो लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, आपको पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? अभी तक आप जानते हैं, सुनते आ रहे हैं, आपने टेंसेस वगैरह सब पढ़े हुए हैं। तो दो तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। एक तो वो सेंटेंसेस जो कि एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती है? इज आर एम, उससे स्टार्ट होते हैं। एक होते हैं डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होने वाले। तो एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल है, आर यू ओके, आर यू ओके। ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो कि एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हुआ है। सेकंड जो मैंने बताया अभी कि दूसरा हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो होता है डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट। तो जैसे सपोज एक क्वेश्चन है, व्हाट्स योर नेम, बहुत ही बेसिक सेंटेंस है, व्हाट्स योर नेम। तो ये किससे स्टार्ट हुआ है? डब्ल्यू एच से। डब्ल्यू एच वर्ड आप सबको पता है, होम, हु, व्हाट, वाई, ये सब डब्ल्यू एच वर्ड है। इज आर एम एक्सिलरी वर्ब्स है। तो ये दो तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, एक वो जो कि एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, दूसरे वो जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अब इनका आंसर तो यस या नो में कंप्लीट हो जाता है। कोई आपसे पूछे आर यू ओके, आप यस या नो में आंसर करेंगे यस आई एम ओके, नो आई एम नॉट ओके, इफ यू आर नॉट ओके देन यू से आई एम नॉट ओके। तो ऐसे करके ये जो इनका आंसर होता है यस या नो में होता है, ठीक है। यहाँ हमें कंप्लीट हमारे डिफाइन करना पड़ता है, डिटेल देनी पड़ती है। जैसे सपोज आपसे कोई पूछता है व्हाट इज योर नेम, तो जो भी आपका नाम है आप बताएंगे माय नेम इज लाइक दैट, माय नेम इज एक्स वाई जेड, कुछ भी, तो आप वो बताएंगे। तो ये इनका आंसर जो है हमें डिफाइन करना पड़ता है, इसका आंसर यस या नो में देना पड़ता है। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं अगर हमारे किसी डायरेक्ट स्पीच में आ जाते हैं, जैसे सपोज एक एग्जांपल है, शी सेड टू मी, आर यू गोइंग टू कॉलेज, ये डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस मैंने आपको बताया है, एग्जाम्पल बताया है, ताकि आपको कुछ क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। देखो हमें ये पता है कि टेंसेस के अकॉर्डिंग हमें कैसे चेंज करना है, ये हमें पता है, हमने पढ़ ली है अभी तक, प्रेजेंट पे भी, पास्ट पे भी, फ्यूचर पे भी, तीनों पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है। हमें ये पता है कि सेड टू वगैरह आए तो हमें क्या करना है, मतलब बेसिक रूल्स हमें क्लियर हैं। बट जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का कोई भी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो कुछ रूल चेंज होते हैं। जैसे शी का तो शी ही है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो सेड टू की जगह आ जाएगा आस्क्ड। ऐसे ही अगर यहाँ से होता तो आस्क आ जाता, यहाँ सेज होता तो यहाँ आस्क आ जाता, ठीक है, क्लियर है। अगर यहाँ से होता तो आस्क आता, यहाँ सेज होता तो नीचे आस्क आ जाता। फिर शी आस्क्ड मी, सेड टू की जगह आस्क, ये चेंज हुआ। इतने दिन हम क्या लगा रहे थे? टोल्ड लगा रहे थे, ठीक है, सेड टू की जगह टोल्ड, शी टोल्ड मी। अब अभी तक हम करते आ रहे थे जो सिंपल सेंटेंसेस थे, इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करके किसका यूज? दैट का यूज, ठीक है, किसका यूज करते आ रहे थे? दैट का यूज। और अब यहां किसका यूज होगा? वेदर या इफ का, वेदर या इफ का यूज होगा। तो ही आस्क्ड मी वेदर, आर यू गोइंग टू कॉलेज। तो अब ये जो सेंटेंस, जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि डायरेक्ट स्पीच में है तो हम उसका जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं
तो वो सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं रहता है, वो एसरेटिव सेंटेंस बन जाता है। क्या बन जाता है वो? कि वो एसरेटिव सेंटेंस बन जाता है। एसरेटिव सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। तो एसरेटिव सेंटेंस अगर हमें बनाना है तो ऑब्वियस बात है कि क्वेश्चन से रिलेटेड हमें सब कुछ खत्म करना पड़ेगा। तो शी आस्क्ड मी वेदर आई यू के अकॉर्डिंग आई वॉज गोइंग टू कॉलेज। मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड पर्सन है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो आई आ जाएगा। और टेंस का जो है आपको पता ही है कि अगर टेंस कौन सा है तो किस में चेंज करना है, तो वॉज आ गया, गोइंग टू कॉलेज एज इट इज़ है। तो ये सेंटेंस बन गया, शी सेड टू मी आर यू गोइंग टू कॉलेज, शी आस्क्ड मी वेदर आई वॉज गोइंग टू कॉलेज, ठीक है। तो ये सेंटेंस तो था हमारा कौन सा वाला? इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इसको हमने क्या बना दिया? एसरेटिव सेंटेंस बना दिया। नीचे वाले को जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है उसको हमने क्या बना दिया? एसरेटिव सेंटेंस बना दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल देके मैंने इसीलिए आपको बताया ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें कैसे बनाना है। अब एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। She said to Radha, "Have you an extra copy?" ये था हमारा डायरेक्ट। इसको अगर इनडायरेक्ट बनाएंगे तो she said to का मैंने अभी बताया था आपको, asked राधा का राधा, if inverted commas को रिमूव करके if क्या सेंटेंस बना? सॉरी, शी है ना, शी हैड एन एक्स्ट्रा कॉपी। शी सेड टू राधा, हैव यू एन एक्स्ट्रा कॉपी। शी आस्क्ड राधा इफ शी हैड एन एक्स्ट्रा कॉपी। तो आपको समझ में आया कि कुछ खास चेंजेस नहीं हुए। सेड टू की जगह आस्क्ड आ गया और राधा है तो उसकी जगह शी, और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके इफ़ का यूज़ हो गया। हैव है तो हैड आ गया, इसका अगर टेंस में चेंज करेंगे तो शी हैड एन एक्स्ट्रा कॉपी। ये आपको क्लियर हो गया एग्जांपल। और अब एक सेंटेंस हम अगर और देखें तो He said to me, "Can you write a letter?" Indirect. He said to की जगह asked me. Inverted commas को remove करो. If can. तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? ही आस्क मी इफ आई कुड राइट अ लेटर। मैंने आपको बताया कि इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव तो रहेगा नहीं, उसका क्या हो जाएगा? एसरेटिव बन जाएगा। कैन का कुड हो ही गया, तो ये आपको
क्लियर हो गया। आई होप आपको ये जो इंटरोगेटिव के रूल्स थे वो भी समझ में आ गए कि अगर सेड टू हो तो हमें आस्क लगाना है, से हो तो आस्क लगाना है, सेज हो तो आस्क्स लगाना है, और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके या तो इफ़ लगेगा या वेदर लगेगा। बाकी टेंसेस जो हैं वो सेम रहेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चन मार्क नहीं रहना चाहिए। अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो चेंज होकर एसरेटिव सेंटेंस बन जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा, फिर वो एसरेटिव सेंटेंस बन जाएगा। बाकी रूल्स सेम है, टेंसेस का चेंज करना सेम है जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। उसके अलावा जैसे कैन का कुड हो गया, तो ये सब चीज़ें सेम रहेगी। मैंने आपको बताया है कि विल हो तो वुड आ जाएगा, कैन हो तो कुड, मे हो तो माइट, ये सब रूल सेम रहेंगे। सेट टू की जगह जो मैंने बता दिया आस्क आ रहा है, कभी कभी इंक्वायरी भी आ सकता है सेट टू की जगह, और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके इफ़ या वेदर आ जाएगा। तो ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट होते हैं वो मैंने आपको आज बताया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।